कल दोपहर बाद जब आप लौटे तपोवन से, उसके बाद से आज अब तक का क्या स्टेटस है ऑपरेशन का जो तपोवन में चल रहा है? देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बड़ी प्रोग्रेस नहीं है। उसमें इतना है कि अभी जब जो मलबा खोद रहे हैं तो उसमें बड़े बोल्डर भी अब दिखने लगे हैं, तो हो सकता है कि हम जल्दी जो है, बड़ा बोल्डर तो पहले गया होगा, है ना, छोटे मलबा बाद में जाएगा, तो हो सकता है हमें सफलता मिले जल्दी, हम यही मान रहे हैं। किंतु अदरवाइज अभी तक मलबा पूरी उसी उससे जारी है। हमने वहाँ बीच में ड्रोन कैमराज भी भेजे, वो भी, और जो नेवी की मार्कोस की टीम जाई थी, ये सब भी जहाँ तक हमारी मशीन काम कर रही है उसके आगे 10-15 मीटर से आगे नहीं बता पा रहे हैं कुछ। तो इसीलिए हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है और न हौसला हमारा बरकरार है। सभी टीमें अपने पूरे हौसले से लगी हुई हैं। कुल 32 बॉडीज हमको अभी तक मिली हैं, जिनमें से 8 आइडेंटिफाइड हैं, 24 आइडेंटिफाइड नहीं हैं। हमने कल एक नंबर भी जारी किया था कि भाई इन इनके इस पे जो है सभी लोग सूचित करें या कांटेक्ट करें, जिससे हम उनके व्हाट्सएप पे डेड बॉडीज के फोटो डाल देंगे, जिससे वो जिनके लोग खोए हुए हैं उनका मिलान कर सकें। अभी भी जो मलबे में कल हमने एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें उतारी थी तो वहां से 4 बॉडीज मिली थी। तो आज हमें उम्मीद है, जैसे एक वीडियो आया है जहां से गिर रहे हैं, तो उसके आसपास के मलबे में एक्स्ट्रा सर्च करेंगे। तो देखिए, ये एक मतलब मिसिंग पर्सन को और इनको खोजने का अभियान जारी है, बॉडीज को। लास्ट पॉइंट मैं कहूँ, नंबर्स का एक प्रॉब्लम चल रहा है, मिसिंग कितने हैं। हमने कल 197 फिगर ली थी, आज मैक्सिमम फिगर 204 बता रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि नाम जो है, नाम पते सहित अभी 192 लोग हैं, ठीक है ना, तो 12 लोग कहाँ, ये इतने थे इतने थे, उससे हम एक्चुअली कंफर्म नहीं कर सकते। तो हमने आज अपनी टीम को लगाया है, पुलिस और प्रशासन की, कि भाई 100% जो नाम है सबका नाम पता हमारे पास होना चाहिए, तभी हम श्योरली कह पाएंगे कि इतने हैं। तो इसलिए मैं अंदाजा उसमें कहूंगा कि मैक्सिमम 204 हैं जो डेड प्लस मिसिंग, और मिनिमम जो है 192।